हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। टपरवेयर ब्रांड्स कॉरपोरेशन एक अमेरिकन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो आज विश्व के लगभग 100 से ज़्यादा देशों में भी अपना बिजनेस फैला चुकी है। शायद ही कोई घर हो जहां टपरवेयर कंपनी का कोई प्रोडक्ट ना हो। कंपनी मेनली किचन और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में डील करती है जो खाने को सुरक्षित रखने के प्लास्टिक कंटेनर्स के लिए जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसी कंपनी की शुरुआती कहानी और सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, टपरवेयर कंपनी की स्थापना 1946 में अर्ल सिल्ज टप्पर ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में की थी। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था और सैनिक अपने घर लौट रहे थे। युद्ध के समय पॉलीथिलीन और दूसरे हाई क्वालिटी प्लास्टिक का इस्तेमाल मिलिट्री के सामान बनाने में हुआ करता था। अर्ल टप्पर भी इसी प्लास्टिक से जुड़े काम में लगे हुए थे और जब उन्हें पॉलीथिलीन और दूसरे हाई क्वालिटी प्लास्टिक के बारे में पता चला तो उन्हें इसका इस्तेमाल एक अलग तरीके से करने का आइडिया आया। उस समय खाने को स्टोर करने के बाद जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था तब वह हिलने के कारण लीकेज हो जाता था, जिस कारण से खाना वेस्ट होता था और तेल लीकेज होता था। इसी में अर्ल टप्पर को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और उन्होंने इस प्लास्टिक की मदद से एयरटाइट नॉन ब्रेकेबल फूड स्टोरेज मटीरियल बनाने की सोची। करीब 2 साल तक चले रिसर्च और टेस्टिंग के बाद और हर तरह के टेम्परेचर और प्रेशर को झेल लेने वाले प्लास्टिक का निर्माण हुआ। अर्ल टप्पर ने आखिरकार वे प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन ढूंढ ही लिया जिसमें इंजेक्शन मोल्डिंग पॉलीथिलीन को बाउल्स, प्लेट और लीड्स आदि में कन्वर्ट किया जा सके और हाई क्वालिटी फूड स्टोरेज प्रोडक्ट बनाया जा सके। प्रोडक्ट की सफलता के बाद अब बात थी सेल करने की। उस समय डोर टू डोर सेलिंग और रिटेल पर प्रोडक्ट को सेल करना ही मेजर सेलिंग ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन उस समय कुछ कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के मेथड को भी अपना रही थी जिसमें सेटिस्फाइड कस्टमर उसी प्रोडक्ट को दूसरे को सेल करता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके और खुद ही अर्निंग करता था। यह सब कुछ समय छोटे छोटे ग्रुप में पार्टी में आयोजित करके किया जाता था। टपरवेयर ने भी यही तरीका अपनाया और टपरवेयर प्रोडक्ट की सेलिंग भी इसी तरीके से होने लग गई, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई साल 1951 में जब एक महिला ब्राउनी वाइस ने इसे एक अलग रूप से आइडेंटिफाई किया और प्रोडक्ट के डेमोज के सिस्टमेटिक पार्टी प्लान को आयोजित किया जिससे महिलाओं में एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट को बढ़ावा मिला। यह पार्टी सिस्टम बहुत तेजी के साथ में अमेरिका में बढ़ा और देखते ही देखते टपरवेयर पूरे अमेरिका में ही नहीं बल्कि अमेरिका के बाहर भी एक लीडिंग होमवेयर ब्रांड बन गया। इस सिस्टम ने साल 1950 में महिलाओं को अपने घर की देखभाल करते हुए इनकम करने का मौका दिया जिसमें महिलाएं पार्टी आयोजित करती है, एक दूसरे से रिलेशन बनाती है और उसी समय प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए और साथ में अर्निंग भी करती थी। देखते ही देखते टपरवेयर पार्टी 100 से ज़्यादा देशों में फैल गई और कंपनी के डेटा की माने तो उस समय लगभग हर 3 सेकेंड में एक टपरवेयर पार्टी कहीं ना कहीं विश्व में आयोजित हो रही थी। साल 1988 तक टपरवेयर प्रोडक्ट को सेल करने का यही एक तरीका था, लेकिन साल 1988 में कंपनी ने एक और मार्केटिंग तरीका अपनाया जिसे कैटलॉग शॉपिंग भी कहा गया, जिसमें ऑनलाइन सेलिंग और परचेसिंग का मेथड अपनाया गया और अब टपरवेयर के जो प्रोडक्ट है उसको टपरवेयर के कंसल्टेंट जो उनके मेंबर्स हैं वो वर्चुअल पार्टी भी आयोजित कर सकते थे और ऑनलाइन सेलिंग कर सकते थे। पूरी दुनिया में धूम मचाने के बाद साल 1996 में टपरवेयर की एंट्री भारत में हुई दिल्ली से। दिल्ली में 30-40 वुमेन सेल्स फोर्स के साथ में यहाँ पर शुरुआत की गई और टपरवेयर ने अपनी शुरुआती में ही दिल्ली में धूम मचा दी। भारत में भी इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाया गया और जहाँ हर महीने टपरवेयर डेमो की पार्टी आयोजित की जाने लगी जहाँ मेन फोकस हाउसवाइफ्स को हुआ करता था। इन पार्टीज में प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताया जाता था और किस तरह से घर के काम करते हुए इनकम की जा सकती है इसके बारे में हाउसवाइफ्स को बताया जाता था। उस समय भारत में इस तरह के प्रोडक्ट
नए नए थे और महिलाओं को इन पर जल्दी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन लाइव डेमोज और डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी से इंडियन फैमिलीज को भरोसा दिलाया गया कि इनमें रखा गया खाना सेफ और रेडी टू ईट रहता है। धीरे धीरे यह तरीका काम करने लग गया और टप्परवेयर भारत में एक जाना पहचाना ब्रांड बन गया। अब हर घर में टप्परवेयर के प्लास्टिक के प्रोडक्ट इस्तेमाल होने लग गए और टप्परवेयर भारत में एक लीडिंग होमवेयर प्रोडक्ट बन गया। धीरे धीरे टप्परवेयर ने भारत के हर कोने हर शहर में अपनी जगह बना ली और इन्हीं पार्टी टप्परवेयर पार्टी के माध्यम से इन्होंने अपनी सेलिंग को धीरे धीरे भारत में बढ़ाने लग गए। दरअसल ये जो तरीका है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का कहलाता है, जिसे MLM मार्क का कंसेप्ट भी कहते हैं। कुछ लोग इसे गलत मानते हैं, लेकिन कंपनी की माने तो ये एक आसान तरीका है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का, और एक बार अगर कस्टमर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वह उसे लॉन्ग टाइम में यूज़ करता है और अपने एक्सपीरियंस को ही दूसरों के साथ में शेयर करता है और वो खुद ही जो है इसमें अर्निंग करता है। ये तरीका काम कर गया और धीरे धीरे टप्परवेयर पूरे भारत में फैल गया और टप्परवेयर ने समय समय पर बहुत सारे कैंपेन लॉन्च किए। जैसे 2012 में टप्परवेयर ने सी कैन यू कैन कैंपेन लॉन्च किया, जो बहुत ही कामयाब रहा। इसमें वुमन एम्पावरमेंट को जोर दिया गया और किस तरह से एक वुमन अपने घर की देखभाल करते हुए कहीं ना जाकर अपने रिलेटिव्स और मिलने वालों के साथ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके अपने लाइव डेमोज और पार्टी आयोजित करके टप्परवेयर प्रोडक्ट्स को शेयर करती थी और इससे इनकम करती थी। समय समय पर टप्परवेयर कंपनी ने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में खूब चेंजेस किए, एक्सपर्ट की मदद ली, जिनसे लाइव वर्कशॉप और कुकिंग सेशन आयोजित किए गए, जिनसे भी टप्परवेयर की ब्रांडिंग को बहुत जो है फायदा मिला। समय समय पर कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए और कुछ समय के बाद में कंपनी ने अपने प्रीमियम प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, जैसे कि अल्टीमो, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। स्टील कुकवेयर भी कंपनी ने लॉन्च किए, जिसका मेन मकसद डिज़ाइन, ड्यूरेबिलिटी, हाई क्वालिटी और लाइफ टाइम वारंटी जैसे जो है बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट के साथ में दिए जाने लगे, जो जल्दी ही भारत के मार्केट में लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, कोविड के समय में भी 2019 और 2020 में टप्परवेयर ने बहुत सारे कैंपेन लॉन्च किए, बहुत सारे नए नए जो है सेलिंग के ऑप्शन ओपन किए, जिसमें फिजिकल स्टोरेज, सोशल सेलिंग, ई कॉमर्स, कयोक्स मॉडल्स आदि उन्होंने अपनाए, जिससे कंपनी की सेल कोविड में भी बनी रही। दोस्तों, फरवरी 2021 में टप्परवेयर ने भारत में 25 साल पूरे किए और ग्लोबली 75 ईयर्स कंप्लीट किए। इसके लिए कंपनी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, चूज गुड एवरीडे कैंपेन, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, आज टप्परवेयर भारत में एक जाना पहचाना नाम बन गया है। पूरे भारत में ही नहीं, लगभग 100 से ज्यादा देशों में टप्परवेयर एक लीडिंग हाउस होमवेयर ब्रांड माना जाता है और पूरे वर्ल्ड में इसकी एक अलग ही पहचान है। आज टप्परवेयर कंपनी न केवल अपने इस वर्ड ऑफ माउथ कैंपेन और डायरेक्ट सेलिंग मेथड को अपना रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है और यूथ में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के द्वारा भी कंपनी अपने जो मेम्बर्स हैं, अपने जो पार्टिसिपेंट हैं, उनको बनाए हुए हैं और अपनी सेलिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रही है। तो दोस्तों, ये थी टप्परवेयर ब्रांड की एक सक्सेस स्टोरी, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे टप्परवेयर ब्रांड आज इंडिया ही नहीं केवल पूरे विश्व में 100 से ज़्यादा देशों में एक लीडिंग ब्रांड बन गया है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।